दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित है। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये कालीबंगा सभ्यता है। तो आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में, और ये राजस्थान के इतिहास का एक प्राचीन सभ्यताओं का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो लाइक शेयर करते रहें, बने रहें इस वीडियो के साथ में लास्ट तक। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। साथ में हम बात करेंगे कि ये रीट JMRC HSC PA UPCL पुलिस कांस्टेबल पटवारी ग्राम सेवक LDC इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल से। तो आज बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो कालीबंगा एवं पीलीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिले में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। और चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास जो दिया गया है इसमें आपको बताया जा रहा है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है, तो ये है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, अगर हम भाषा की बात करें तो कालीबंगा ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और चलते हैं, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि ये कालीबंगा जो सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित थी और किस समय में ये थी। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन में उस नदी का नाम सरस्वती नदी था, और वर्तमान जो घग्गर नदी है हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग के पास घग्गर नदी है, ये हनुमानगढ़ के टीबी तहसील में राजस्थान में प्रवेश करती है। और प्राचीन नाम इस नदी का सरस्वती नाम था, और वर्तमान में ये घग्गर नदी है, इस किनारे विकसित हुई ये कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, किस नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन नदी कौन सी थी, तब तो आप बताना है सरस्वती, और वर्तमान में पूछे तो आपको बताना है घग्गर। और इसका जो समय था ये 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व था। और अब हम आगे की ओर बात करते हैं। आगे हमारे पास जो है कालीबंगा से संबंधित, इसमें इस सभ्यता का सर्वप्रथम 1952 में प्रकाश डाला गया था। कि अगर हम बात करें कि इस सभ्यता में सर्वप्रथम 1952 में इस पर प्रकाश डाला गया था, और इससे जो खुदाई के कार्य में जो प्रयास किया गया था उसकी अगर बात करें तो डॉक्टर अमलानंद घोष को कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता माना जाता है। डॉक्टर अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी सर्वप्रथम, और वो की थी 1952 में डॉक्टर अमलानंद घोष ने। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा का प्रथम खोजकर्ता कौन है, तो डॉक्टर अमलानंद घोष आपसे पूछा जाए डॉक्टर अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की थी, तो 1952 ईस्वी में। और बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे कि वर्ष 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक ब्रजवासी, जिसको हम BV लाल एवं बाल कृष्ण, जिसको BK थापर, कभी कभार इनके शॉर्ट नेम भी बता दिए जाते हैं ऑप्शन में, BV लाल, ब्रजवासी लाल और BK थापर, बाल कृष्ण थापर ने सर्वप्रथम इनके उत्खनन कार्य किया था।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की, तो डॉक्टर अमलानंद घोष और 1952 होगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये ब्रजवासी और बालकृष्ण थे, और 1961 से 1969 तक इन्होंने किया था। और अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास ये जो कालीबंगा है, ये सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता दो भागों में फैली हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कालीबंगा को दो भागों में, एक तो दुर्गीकृत और एक अदुर्गीकृत। यानी हम कह सकते हैं कालीबंगा में एक तो दुर्ग बना हुआ था, जिसमें शायद अनुमान है, जो इतिहासकार है वो अनुमान लगाते हैं कि इसमें राजा और जो उनकी फैमिली, उनके सैनिक और उनके जो मंत्रीगण रहते थे। लेकिन जो अदुर्गीकृत था, जो किले से बाहर था, वहाँ जन साधारण निवास करते थे। और चलते हैं आगे, आगे हमारे पास जो दे रखा है, अब हम बात करेंगे कि एक बेलनाकार मुहर का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेलनाकार मुहर किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो वहां पे आपका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं। इस सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता को राजस्थान कांस्य युगीन सभ्यता, जो राजस्थान की कालीबंगा की सभ्यता है, उसका दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता है। क्योंकि इस सभ्यता में तांबा प्लस टीन मिलकर के कांसा बनता है और कांस्य का प्रयोग मिलता है। नगरीय सभ्यता, क्योंकि नगर निर्माण की एक भव्य जो हम कह सकते हैं निर्माणकारी इस सभ्यता में देखने को मिलती है, और आद ऐतिहासिक भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आद इतिहास के बारे में। आद ऐतिहासिक काल वह युग है, सभ्यता एवं संस्कृति का वह युग, जिसमें हमें जो साक्ष्य होते हैं ना, वो लिखित में प्राप्त होते हैं, लेकिन अपठनीय होती है, उनकी लिपि ऐसी होती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो आद ऐतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य लिखित में है लेकिन अपठनीय है, पढ़ नहीं पाते हैं, वो आद ऐतिहासिक होते हैं। और पश्चिम हड़प्पा कालीन, उसके बाद में है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि से इसको उपनामों से भी जाना जाता है। कि अगर आपसे ये पूछा जाए कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो उस समय आपका ऑप्शन अगर कालीबंगा है, तो आपका ऑप्शन कालीबंगा होगा। और अब हम चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्रसिद्ध इतिहासविद, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। कि सिंधु घाटी की जो तीसरे नंबर की राजधानी है, ये है कालीबंगा है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये संबोधित किए। महान इतिहासकार है शर्मा, डॉक्टर शर्मा। और इसी के साथ में हम बात करेंगे कि कालीबंगा में ही 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना की थी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, आगे हमारे पास जो टॉपिक है, इसमें विश्व के सर्वप्रथम हल जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा में मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में जुते हुए हल के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वहां पे आपका उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है टॉपिक, इसमें कालीबंगा एक ही समय में दो फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक ही सीजन में कालीबंगा के जो खेत है वो दोहरे जुते हुए हैं, एक बार पूर्व पश्चिम में तो दूसरा उत्तर दक्षिण में। इस प्रकार से एक ही सीजन में दो फसल लेने का प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। और चलते हैं आगे, हम बात करते हैं और किन किन के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और बात कर लेते हैं।
कालीबंगा में सूती कपड़े के शख्स मिले हैं, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सूती कपड़े का प्रयोग भी कालीबंगा में होता था। और चलते हैं इसी के साथ में आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कालीबंगा की मोस्ट इम्पोर्टेंट, कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हम बात करें कि कालीबंगा के नगरों की जो सड़कें हैं वो समकोण में काटती थी, एक दूसरे को समकोण में काटती थी, और इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। और बात कर लेते हैं कि यहां पर बने मकानों की जो पद्धति थी वो ऑक्सफोर्ड पद्धति थी। ऑक्सफोर्ड पद्धति, इसी के साथ में जाल पद्धति और ग्रिड पद्धति भी कहते हैं कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी बिल्कुल चौराहे पे, और ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति और ग्रिड पद्धति भी इसे कहा जाता है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं तो यहाँ विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें विश्व में सबसे पहले भूकंप कहाँ आया था, तो इसका प्रमाण कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में कुछ ऐसे साक्ष्य भी दिखे हैं, और शायद कुछ विद्वान कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो समापन हुआ था या कालीबंगा सभ्यता नष्ट हुई थी उसका कारण भी शायद कोई प्राकृतिक या भूकंप वगैरह ही रहा होगा। और अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कालीबंगा के पतन का प्रमुख कारण, कुछ लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप में भूकंप को ज्यादा महत्व देते हैं, और कुछ इतिहासकार हैं जैसे कनेडी, उन्होंने संक्रामक रोग के कारण कालीबंगा का विनाश होना बताया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। अब आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो कालीबंगा की विशेषता है उसमें एक स्नानागार मिला है, और उस स्नानागार से निकलने वाले पानी की जो नली बनी हुई है वो लकड़ी की नली बनी हुई है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है कि लकड़ी का पाइप बना हुआ है और ये लकड़ी की नली बनी हुई है जिससे पानी की निकासी होती है, और वो भी स्नानागार से। तो ये सब जो हमें लकड़ी की जो नली है ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं भवन निर्माण में प्रयुक्त जो ईंटें होती थी उसकी। विश्व में प्रथम लकड़ी के नाले के अवशेष कालीबंगा में मिलते हैं। अगर हम भारत की बात न करके अगर पूरे विश्व की बात करें तो भी लकड़ी के नाले का जो है वो कालीबंगा सभ्यता में अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अगर हम बात करें कालीबंगा में भवन जो निर्माण के लिए, तो पहले तो कच्ची ईंटें हुआ करती थी और बाद में पक्की ईंट, पहले कच्ची ईंट थी बाद में पक्की ईंट बनी हुई थी। इनकी लंबाई चौड़ाई जो अनुपात था वो 30:15 में और 7.5 जो इसकी रूप में थी। और अब हम चलते हैं बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे जुते हुए खेतों के अवशेष जो कि हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा में जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं जो कि हल द्वारा खेत जोतने की जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं कि कालीबंगा का शायद धार्मिक संबंध भी रहा होगा। कालीबंगा हमें लोथल सभ्यता के समरूप 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है और ये हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं जिसमें कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, और जिससे लगता है कि यहाँ पर बलि प्रथा भी पाई जाती थी। तो कालीबंगा की जो सभ्यता है उसमें 7 अग्नि वेदिकाएं हैं, हवन कुंड भी है, और हवन कुंड के आसपास कुछ हड्डियां भी प्राप्त हुई है जिनसे लगता है कि शायद बलि प्रथा भी थी यहाँ पे इस समय। और आगे हमारे पास अब हम बात करें कि कालीबंगा के लिए फसल कौन सी थी। अगर हम बात करें फसल की तो इनके लिए 2 फसल प्रमुख थी, एक तो जौ और गेहूं। कालीबंगा के लिए जौ और गेहूं की फसल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इनसे
पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे और वो लोग गेहूं और जौ से परिचित थे। और अब हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता में स्वस्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ के लोगों के धार्मिक, शायद उन्होंने स्वस्तिक का प्रयोग भी कोई वास्तुशास्त्र के लिए किया होगा। और अनुमान लगाया जाता है कि अनुमानतः इसका प्रयोग, यानी जो स्वस्तिक था उसका प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। स्वस्तिक का प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए किया जाता था। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो चिकित्सा के भी कुछ परिणाम मिले हैं और कुछ प्रमाण है। यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 3 छेद बताए जा रहे हैं और जिससे कपाल छेदन क्रिया यानी शल्य चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक भाषा में अगर बात कहें तो हाइड्रोस्पोलिसिस, जो कि यहाँ पे वो 3 छेदन है जिसको कपाल छेदन कहा जाता है और उसको शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिलता है, हाइड्रोस्पोलिसिस का प्रमाण मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम यहीं पे प्राप्त हुआ है ऐसा प्रमाण। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था थी या चिकित्सा पद्धति थी वो भी सर्वोपरि रही है अपने समय में। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास जो है इसमें मातृसत्तात्मक परिवार यानी माता के नाम से जो परिवार चलता है, तो इसमें महिला कुमार देवी का चित्र अंकित है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। क्योंकि मातृसत्तात्मक जो महिला की एक देवी के रूप में अंकन चित्रित है, जिसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी उस समय अच्छी थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही सम्मानजनक थी। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है कि कालीबंगा सभ्यता में हमें लोहे तथा मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। शायद उनका लोहे से कोई परिचय नहीं था क्योंकि उस समय जो उनकी सभ्यता थी वो कांस्य सभ्यता थी, क्योंकि वो कांस्य का अत्यधिक प्रयोग करते थे। और चलते हैं आगे की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है कालीबंगा सभ्यता को 2009 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। जो कालीबंगा सभ्यता है उसको 2009 में यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है और ये विश्व विरासत सूची के अंतर्गत है। और अब हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है कि कालीबंगा सभ्यता की जो तिथि है वो कार्बन 14, जिसको हम C14 भी कह सकते हैं, और ये डेटिक पद्धति है। इसके आधार पर इसकी 2300 ईसा पूर्व मानी जाती है। कार्बन पद्धति के अनुसार इसकी 2300 ईसा पूर्व जो मानी जाती है। और वैसे अगर बात करें तो ये 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व, कुछ इतिहासकार इसको ये बता रहे हैं। और कार्बन जो 14 के अनुसार बात करें तो ये 2300 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। अगर कार्बन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये 2300 ही आपका ऑप्शन सही होगा। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। अब आगे हमारे पास है कि यहाँ पर जो कालीबंगा के कुछ लिपियां हैं, कालीबंगा की प्रमुख लिपियां, एक तो ब्रुस्टोफेदन, और यहाँ पे हम बात करेंगे जो ब्रुस्टोफेदन लिपि होती है ये लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर सर्प के समान लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें कि ये दाएं से बाएं की ओर चलती है और ये एक सर्प के आकार की तरफ चलती है, इस प्रकार से ये ऐसे लिखी जाती है कि ये बाएं तरफ से शुरू होती है और
दाएं से शुरू होकर के फिर ये बाएं से ही चलती है और ये दाएं बाएं ऐसे चलती रहती है सर्प के आकार में। और सर्पिलाकार भाव चित्रात्मक कुछ जो लिपि ऐसी है वो भावों के माध्यम से भी उकेरी गई है और इस लिपि में दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो जो वर्तमान में हम जिस लिपि को लिखते हैं यहाँ से जो कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और फिर लेफ्ट हैंड से ही चलते हैं और राइट हैंड के साइड में समाप्त करते हैं, लेकिन ये क्या होती थी दाएं से चल करके फिर बाएं से फिर दाएं से फिर बाएं से ऐसे चलती रहती थी और ये सर्प के आकार में चलती रहती थी। इसी के साथ में धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।